हम तो न्यूज में आ जाओ देखो। सर हमारे भाई को यहाँ पर लाइसेंस के संबंध में बुलाया गया था, जिसके बाद हमारे भाई ने हमें ये सूचना दी तो हम यहाँ पर पहुँचे। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो डीओ साहब हमारे भाई को गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने जब उनको गाली गलौज करने से मना किया तो उन्होंने हमसे भी ये कहा कि तुम भी पिटोगे साले, तुम अधिवक्ता हो तो क्या हुआ। तो मैंने कहा सर इस तरीके से बात करेंगे आप हमें भी मारेंगे। तो हमने अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे। मैंने कहा आप मारेंगे हमें मारिए, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। जब हमने उनको ये बात बोली तो उन्होंने हमें जबरन चार पांच यहाँ के कर्मचारी जो भी हैं पांच, उन्होंने सबने छः सात लोगों ने मुझे पकड़ा घसीट के अंदर कमरे में ले जाके कहने लगे आप तुझे ही देख लेते हैं, तू बहुत बड़ा अधिवक्ता बनना है वकील बनना है, हमें ले जाके अंदर माने। जिसमें से एक के पास कमरे में घुसते हुए कट्टा भी रखे हुआ था एक व्यक्ति। जब उसने देखा कि वीडियो बन रही है तो उसने तुरंत वहाँ अपना कट्टा रख लिया और उसके बाद जो है इन लोगों ने हमें घसीटते हुए बोले मोबाइल दे बहुत वीडियो बनाता है। ये कह के हमारे हमने मोबाइल अपने भाई को दिया और तब उसमें जो है वीडियो सब रिकॉर्ड है सर। बाकी हमारे साथ मारपीट की गई और जो है कोई वजह नहीं थी सर। इन्होंने खुद बुलाया, कल फ़ोन करके नहीं किया, उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है और इन्होंने ये कहा है उसको मीट नोट देना। तो उन्होंने कहा कि उनके पास लाइसेंस है, मैं मीट क्यों नहीं दूँ। उनके पास दो दो लाइसेंस है, एक तो स्टे है जो लखनऊ से आपने निरस्त किया है और दूसरा लाइसेंस उनके पास एक और जारी है, उस पर मैं मीट दे रहा हूँ। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है जी? सीधा सीधा ये चाहते हैं कि हमें पैसा दीजिए, जो हमने इनको से बनवाया था लाइसेंस, हमने इनको जो कोई पैसा नहीं दिया उस चीज़ का। मैंने ही मैं क्यों देने लगा भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई जाहिल तो हूँ नहीं, मैं कब तक आपको पैसा दूंगा? मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ जी। रिश्वत को लेके इन्होंने हमारा लाइसेंस निरस्त किया और करने के बाद फिर इन्होंने दूसरे पे भी प्रपोज किया है कि आप इसको माल नहीं देंगे जब तक ये हमारे नीचे नहीं झुकेंगे, और जब ये हमारे नीचे झुकेंगे तब आप इसको माल देंगे। और इसी बात को लेकर इन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की है। आज यहाँ इन पे आए, इन्होंने खुद बुलाया से, हम बुलाने के बाद बेइज्जती की और मारपीट की, और तीन चार जनी जो इनके जो कार कर रहे थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने पकड़ लिया हमारे भाई को, उनको भी मारा और एक शख्स कुछ निकाल लिया 50,000 रुपये। 5 साल का लाइसेंस तो रिन्यू करने के लिए 1 साल का जो है ये लेते हैं 5,000 रुपये। तो मैंने कहा 25,000 आपके बनते हैं, आप 50,000 क्यों मांग रहे हैं? तो कहने लगे मैं 50,000 लूँगा तुमसे, अगर आप नहीं बनवाएंगे तो मैं आपका निरस्त कर दूँगा 15 दिन के अंदर। और इन्होंने वही किया, 15 दिन के अंदर हमारा निरस्त कर दिया, जिसमें लखनऊ में जो है वहाँ पर हमें स्टे मिलाएगा जो है, वहाँ पर अपील डाली थी हमने, वहाँ उन्होंने स्टे दिया, उन्होंने कहा आप अपना कार्य करिए जब तक आप पे स्टे है, उस पर भी इन्होंने जो रोक लगा दी। और इन्होंने 3 लाइसेंस और निरस्त कर दिए हैं, वो भी रिश्वत पे ही बल पे कर दिए हैं, ये वो भी नहीं चाहिए। ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आपने मारपीट की सर, ये कभी मामला हुआ आप पे आरोप लगाया? अभी आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं रिश्वत लेने का सर, अभी आपके ऊपर एक मामला लगाया गया है, रिश्वत लेने का मामला आ रहा है, आपने मारपीट की है, क्या मामला है सर? सर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, 50,000 रुपए मांग रहे हैं आप, क्या क्या मामला है? वीडियो भी है उसका, क्या कहेंगे उस पर सर? आपकी वीडियो भी है मारपीट करते हुए।